फसलों की पैदावार बढ़े और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले, इस पर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है और इस साल सरकार ने पैक्स के माध्यम से धान की रिकॉर्ड खरीदारी की है। बिहार में सरकार ने नवंबर महीने से धान की खरीदारी शुरू की। अब तक 4,46,335 मीट्रिक टन धान की खरीदारी हुई। सबसे ज्यादा धान की खरीदारी रोहतास जिले में 52,418 मीट्रिक टन हुई। इसके बाद पटना में 45,836 मीट्रिक टन, कैमूर जिले में 43,207 मीट्रिक टन, औरंगाबाद में 32,832 मीट्रिक टन और सुपौल में 15,449 मीट्रिक टन धान की खरीदारी हुई। जिस रफ्तार से धान की खरीदारी हो रही है उसको देखते हुए उम्मीद है कि इस साल सरकार धान खरीद के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। देखिए, राज्य सरकार किसानों के लिए संवेदनशील है और राज्य में जो धान की खरीद हो रही है उसमें काफी तेजी आ रही है। कुछ समस्याएं थी जिसका निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और निराकरण करने के बाद लगातार तेजी से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। जाहिर है किसानों को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है, क्योंकि पहले किसानों को औने पौने दाम पर बिचौलियों के हाथों अपनी फसल बेचनी पड़ती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। पहले तो दुकान में मनमानी सौदा माने लेता था, मनमानी जो इतना में देंगे या इतना में लेंगे, और अब तो है कि नहीं, उसको रेट एक फिक्स है, एक तय किया गया है कि इतना में से इतना में हो। अब तो सब आदमी होशियार हो गया है कि भाई इतना में ये चीज मिलता है, एक रुपया में सैंपल मिलता है, अब वो 1.5 रुपया मांगेगा तो नहीं ना दे पाएगा। बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान राज्य का विकास किसानों की स्थिति के सुधार पर ही निर्भर करता है। नीतीश सरकार इस दिशा में बेहतर काम कर रही है। नवजीत, जी मीडिया।